चलिए नजर डालते हैं इस वक्त न्यूज प्राइम 24 के खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के बलदेव एस्टेट मामले में आखिरकार एक महीने बाद नाबालिग पीड़िता को मिला न्याय। आरोपी मां बेटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिस घटना जब से रिपोर्ट हुई थी तब से हम लोग बलदेव एस्टेट छोड़ के फरार हो गए थे। हमको कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये अपने ससुराल के जगह में आके हैं दरभा में, तो अपने टीम के साथ डीएसपी साहब के मार्गदर्शन में जाके उनको लेके आए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्यादातर राज्यों में ड्राई डे घोषित किया गया है, शराब दुकानें बंद किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ और जगदलपुर में आम दिनों की तरह शराब दुकानें हुई गुलजार। क्या नाम है आपका? डमरू शार्दुल। तो आप क्या कर रहे हो? अभी डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। वाइन्स? तो कितना डिलीवरी ले जा रहे हो? अभी मैं एक डिलीवरी लेकर जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हो? PWD मेन ब्रांच। छत्तीसगढ़ जगदलपुर में किराए पर दुकान लेकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के आगे विकट समस्या हुआ खड़ा। लॉकडाउन के कारण बंद हुए दुकानों की किराया और अन्य खर्चे के लिए उधार लेने की पड़ी नौबत। लगातार डेढ़ महीने से जो आपकी शॉप बंद हुई थी लॉकडाउन की वजह से, इसमें क्या क्या चीज़ों की दिक्कतें आई आप बताएं? इसमें तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। वर्करों का पेमेंटों का दिक्कत है और घरों में भी हम लोगों में परेशानियाँ आई हैं। घर में पेमेंट की मतलब काम ही नहीं है इस समय, तो चार डेढ़ महीने से जो कुछ काम हुआ ही नहीं है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर। जगदलपुर में अब तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं। जगदलपुर में ऑटो चालक रिक्शा चालक काफी परेशान, परिवार पोषण में हो रही दिक्कत।